कितने आसन करना मिनिमम? 5। फिर आगे मयूरासन आता है, चलो कोशिश करो ऐसे। ये बहुत अच्छा किया इसने। क्या नाम है आपका? विभव दाहाल। विभव, तो विभव के लिए जोरदार ताली बजाओ विभव दाहाल के। आपको स्ट्रॉन्ग बॉडी बनानी है ना? हाँ, तो स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए आपको मुर्गा बकरा और सुअर खाने की जरूरत? मैं मुर्गा बकरा सुअर नहीं खाता, फिर भी मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग है ना। देखो, पकड़ के देखो। अरे ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ो और इसको एक एक पकड़ो, एक एक पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, ऐसे हाथ से पकड़ो, फिर इसको घुमाता हूँ ना तेरे को पकड़ के, दोनों तरफ से पकड़, एक इधर से पकड़ो। चलो अब देखो, सूर्य नमस्कार करते हैं दोनों हाथ सामने। सूर्य नमस्कार जो करेगा वो कभी कमजोर, हमको कमजोर नहीं होना और देश को भी कमजोर नहीं होना। चलो आगे माता घुटनों से लगाओ, चार दाएं पैर पर राइट लेग के बाएं पीछे, छह सात नीचे, आठ नौ दस बाएं आगे, ग्यारह माता घुटनों से रखो पीछे, आठ ऊपर ऊपर ऊपर, और फिर दो हाथ ऐसे ऐसे सामने, फिर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर से सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया, योगा वाला ग्रुप भी बहुत अच्छा है। देखो जो सूर्य नमस्कार करते हैं ना, तो सूर्य की तरह तेजस्वी हो जाते हैं। हैंड स्टैंडिंग आता है? हाथों के बल चलना किसको आता है? आपको आता है? चलो अपन दोनों चलेंगे, ठीक है, इधर से वहां तक, ठीक है, आप इसको पकड़ो, चलो मेरे साथ साथ चलना, ठीक साथ। क्या नाम? गंगा कटवाल। गंगा कटवाल के लिए बहुत तालियां बजा दो। हाँ, तो अभी आपको हमने कुछ योग की छोटी छोटी बात बताई, अभी तो और सिखाना है आपको, बताना है कि योग करने वाले व्यक्ति का शरीर, उसका मन, उसका आत्मा बहुत पवित्र हो जाता है। इसलिए सुबह सुबह सब योग करेंगे। क्या करेंगे सुबह सुबह? हम बोलते हैं करो योग रहो निरोग, मैं बोलूंगा करो योग, आप बोलेंगे रहो निरोग। करो योग, करो योग, एक एक बात है। और इसके बाद तो बहुत सारे काम करने हैं, आपको योगी भी बनना है।
और योगी बनने के साथ साथ उपयोगी भी बनना है। बहुत बड़े बड़े काम आपको करने हैं, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि योग करके आपको बहुत बहुत स्ट्रांग बनना है, सबको बहुत स्ट्रांग बनना है। हाँ, अगली बात, एक तो जीवन में हमें अच्छी बातें पता होती है, सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है सबको, लेकिन बुरी चीजें हम छोड़ नहीं पाते, अच्छा कर नहीं पाते। दुर्योधन की तरह जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही, ये गड़बड़ हो रखा है। तो अगली बात, ये सब बच्चों के भी, ऊपर वाले नीचे वालों और सब बड़ों के लिए भी, जो हम बार बार करते हैं वो हो जाती है हमारी आदत। जो हम बार बार करते हैं वो क्या हो जाती है हमारी, उसी को बांग्ला में अभ्यास बोलते हैं। बांग्ला में क्या बोलते हैं? अभ्यास, अभ्यास। हिंदी संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? अभ्यास। क्या बोलते हैं बोलो? और इसी को संस्कृत में बोलते हैं संस्कार। क्या बोलते हैं? स्वभाव। क्या बोलते हैं? संस्कार, स्वभाव, अभ्यास, आदत, हॉबी, नेचर, एक ही बात है। हम सबको जो ऐसी चीजें जो बार बार करते हैं वो हमारा अभ्यास हो जाता है, अभ्यास, संस्कार, स्वभाव, आदत हो जाता है। बार बार योग करेंगे तो योग करने की क्या पड़ेगी? जोर से बोलो। बार बार पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करने की, बार बार अच्छे काम करेंगे तो अच्छा काम करने की, बार बार अच्छा सोचेंगे तो अच्छा सोचने की, बार बार अच्छा देखेंगे तो अच्छा देखने की, बार बार अच्छा सुनेंगे तो अच्छा सुनने की, और बार बार बुरा सोचेंगे, बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे, बुरा बोलेंगे तो बुरा बोलने की। अरे बार बार छोड़ो, एक बार भी झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने की क्या हो जाती है? एक बार भी झूठ बोला तो, एक बार भी गाली दी तो झूठ बोलने की और गाली देने की क्या बन जाएगी? आदत। इसलिए हम बोलते हैं एक बार भी झूठ, जोर से बोलो, एक बार भी झूठ, एक बार भी चोरी, एक बार भी दारू, उसे क्या हो जाएगी? दारू पीने की, बीड़ी सिगरेट, गुटखा खाया तो गुटखा खाने की, बीड़ी सिगरेट पीने की क्या पड़ जाएगी? एक बार करने से भी, हाँ, एक बार भी झूठ बोलने से, एक बार भी किसी को मारने से, मारने की, इसलिए किसी के ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठाना, एक बार भी हिंसा, हिंसा को वायलेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं हिंसा को? हाँ, ये बहुत बड़ी बात अभी मैंने कही आपसे, एक बार भी हिंसा, एक बार भी झूठ। आप लोग भी बोल सकते हो, पीछे वालों को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या बोला? एक बार भी झूठ, एक बार भी चोरी, एक बार भी तमाकू, गुटखा, शराब, इससे क्या पड़ जाती है उसकी? अच्छा, हम लोग ये सुबह से शाम तक काम करते हैं तो हमको काम करने की, पुरुषार्थ करने की, मेहनत करने की आदत पड़ गई। हमको पुरुषार्थ करने की क्या पड़ गई? आदत। हमको क्या पड़ गई पुरुषार्थ करने की? हमको भलाई करने की, सेवा करने की क्या पड़ गई? आदत। अच्छे काम करने की क्या पड़ गई? अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा भाव रखना, अच्छा ही काम करने की क्या पड़ गई? इसलिए हमारा दुर्विचार, दुर्भावना और दुष्कर्म इससे दूर हो गए। तीन चीजों से दूर रहना, इधर विचार आता है, इधर क्या आता है? इधर आती है हार्ट में भावना और इधर हाथ से कर्म। तीन चीजों से दूर होना, दुर्विचार बोलो, दुर्भावना, दुष्कर्म, तीन चीजों से दूर रहना। स्टार्टिंग से बोलो सीक्वेंस वाइज, दुर, क्या बोला था? विचार, राइट आंसर। बोलो क्या बोला? दुर, फिर इधर से दुर, भावना, राइट आंसर, एंड दुष कर्म। तीन चीजों से दूर रहना, याद रखना है, सबके लिए भी है।
wrong thoughts, wrong emotion, and wrong action. Reaction in action, इससे दूर रहना तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा. क्या बन जाएगा जीवन? बहुत अच्छा बन जाएगा. हाँ, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसके लिए दो एक्सरसाइज बताता हूं. ठीक, तो एक तो ऐसे किया करो, 10 बार, ज्यादा नहीं करना. कितनी बार करना? चलो कैसे करना, 1 2 चलो. ऐसे 10 बार करना, ठीक, ज्यादा नहीं. फिर ऐसे पैर करो, फिर ऐसे बैठो, फिर ऐसे उठ, ऐसे. ये तो नीचे नहीं कर रहा. एक, ठीक है, दो हो गए ना, ये दो करना तो इससे तुम्हारे पैर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे. हाँ, दो एक्सरसाइज बताई ना, ये दो कंगरा में जी कितने मजबूत है. ए अंगरा में जीत रहा हूं, आओ आओ. आप हमारे साथ एक्सरसाइज करोगे? आओ आओ. अरे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आजा आजा आजा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आजा आजा, एक बार जोरदार ताली बजाओ. ये बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, इसने बहुत संघर्ष किया है तो जाकर के बोडोलैंड को इसने सम्मान दिला है. योद्धा आदमी है. तो हमने बोला सबको अग्रामा जी की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है, कभी हिम्मत नहीं हारना, कभी कमजोर नहीं रहना. हाँ, तो अग्रामा जी आज हंगामेदार कार्यक्रम होगा. तो एक तो अभी हमने इनको बैठक लगाना सिखाया था, अभी लगाया था ना, तो थोड़ा सा फिर अग्रामा जी के साथ लगाएंगे ये वाला. चलो एक, ये एक हुआ. फिर दूसरे वाला ही बच्चे मेरे साथ करेंगे, करके दिखाओ. तो और लास्ट एक, एक लास्ट एक. चलो ऐसे कर, चलो शॉट, तालियां बजाओ सब. ये बच्चों को डेली करना है तो एक बार हंगरा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. तो देखो, जिस देश का शासक मजबूत होता है उसका देश में दुनिया की कोई बुरी ताकत कुछ बिगाड़ नहीं सकती. हमारे शासक मजबूत है, जोरदार तालियां हमारे हंगरामा जी के लिए. तो हमारे हंगरामा साहब ने आज सबके साथ योग कर दिया. ये बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है ना, इसलिए मैंने इनको मंच पर बुलाया और सब बच्चे भी अब नीचे चलेंगे. चलो इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाओ. तो अभी एक भजन सिखाया ना हमने, जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे. तालियों के साथ हाथ उठा के, जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, मिटा दो जुल्म की आधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, तुम्हारे कारवां को, तुम्हारे कारवां को नौजवान सलाम करे, करो की सारा जहां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो काम की
सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बोले भारत माता की। हाथ उठा के मुट्ठी बांध के अब तो पूरे हिंदुस्तान का शौर्य जाग उठा और पाकिस्तान भाग उठा है। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ऐसे सबको मजबूत बनना है। मैंने बोला था ना, सबको बनना है शरीर से बलवान। शरीर से क्या बनना है? हेल्थ एंड फिटनेस में नंबर, नॉलेज में भी नंबर, हार्ड वर्क में, स्टडी में भी नंबर, करेक्टर में भी नंबर। जब हम महान होंगे तो हमारा भारत महान होगा। ये बात आज आपको सिखाई और ये बताया कि आपको एक तो बात अच्छे से अपना स्टडी करना है और दूसरी बात अपनी आदतों को अच्छा रखना है। क्या रखा है? अपनी आदतों को अच्छा रखना है। और जो हम बार बार करते हो क्या हो जाती है? हमारी आदत। ये बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी। तो अपनी आदत अच्छी बनाओ। देखो अब मैं आपको 10-15 अच्छी आदत बताता हूं। मैं सुबह उठता हूं और सुबह उठते ही क्या करता हूं? सुबह उठते ही धरती माता को करता हूं। सुबह उठ करके किसको प्रणाम करता हूं? मेरे साथ बोलो, माता भूमि ही, पुत्रो हम पृथिव्या। ये धरती हमारी माँ है। धरती हमारी क्या है बोलो? इसलिए हम बोलते हैं धरती माता। क्या बोलते हैं? भारत माता। फिर दूसरा, मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा, राष्ट्र देवो भवा। धरती माता के साथ अपने माता पिता को ऐसे बाएं पैर पर बायां हाथ, दाहिने पैर पर दायां, ऐसे रख करके ऐसे मत्था टिका के उनको प्रणाम करना। सुबह उठकर किसको प्रणाम करना? माता पिता को। जो बड़े हैं, गुरु हैं, सन्यासी हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अपने सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, उनको प्रणाम करना। ये अच्छी आदत है। सुबह उठना अच्छी आदत है। बोलो, सुबह उठना, माता पिता बड़ों को प्रणाम करना, उनकी बातें मानना, फिर योग करना, फिर पढ़ाई करना, फिर अपना अपना खेत में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में अच्छे अच्छे काम करना, फिर कम खाना अच्छी आदत है, ज्यादा खाना बुरी आदत है। कम खाना, बहुत ज्यादा नहीं खाना, कुछ खा खा करके पेट फुला लेते, उल्टी हो जाती है, फिर पेट साफ नहीं होता। नहीं, कम खाना, अच्छा खाना अच्छी आदत, अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना और बुरा बोलना, बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा करना। आज बोला था ना आपको, इधर से क्या रखना? दुर विचार नहीं रखना, दुर भावना नहीं रखना और दुष्कर्म नहीं करना। इतनी तो बात है। इतनी बात आपने याद रख ली तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। और हम यही पूरे देश को सिखा रहे हैं कि अच्छी आदतें डालो, अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा करना, अच्छी भावना, इसकी आदत डालो तो हमारा देश बहुत महान बनेगा। पिछली बार यहां जब कार्यक्रम हुआ था तब भी हमारे चीफ साहब थे और इन्होंने देखा कि किस तरह से यहां पर ये पुण्य अभियान शुरू हुआ और चिरांग से लेकर के, कुमारीगट्टा से लेकर के, अब भैरवकुंड भी हम होकर के आए और दूसरी जगह भी जो जो हमसे बन पा रहा वो करेंगे। और जैसे हमें भारत को महान बनाना है वैसे ही अपने असम प्रदेश और अपने बोडोलैंड को भी हमें बहुत महान बनाना और देश में सबसे आगे लेकर के जाना है। हेल्थ में, एजुकेशन में, प्रॉस्पेरिटी में, पीस में। हेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, पीस हो, एजुकेशन से लेकर के हर फील्ड में, एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, हर क्षेत्र में यहां प्रगति हो, विकास हो,
समृद्धि हो, खुशहाली हो, इस संकल्प के साथ पतंजलि ने कुछ बड़ी सेवाएं इधर शुरू की हैं। और इस बार लगभग अभी 800 गाय आ चुकी हैं, 200-300 उनकी बछड़िया होने वाली हैं। लगभग अभी 1000 गोवंश जो 8-10-12 किलो दूध देता है, वो दान पतंजलि ने यहां पर किया है। और अब दूध दही की नदियां असम में और बोडोलैंड में बहेंगी, दूध दही की नदियां। हाँ, दूध दही की नदियां बहनी चाहिए, शराब की नदियां नहीं बहनी चाहिए। तो हमको अच्छा असम प्रदेश, अच्छा बोडोलैंड बनाना है और समृद्धि को लाना है। फिर खेती में नए नए प्रयोग यहां पर शुरू किए हैं। 250 प्रकार का तो देसी भात चावल राइस यहां पर पैदा किया है। ऑर्गेनिक राइस यहां पर होगा, उसको खा के सब स्वस्थ बनेंगे। और उसकी मार्केटिंग भी पूज्य आचार्य जी ने करने के लिए एक बड़ी योजना बना दी है। असम के बोडोलैंड के किसानों को समृद्धि मिलेगी और देश के लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा, ये काम यहां से होगा। ये बहुत बड़ा काम है, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये स्वास्थ्य का अभियान है, ये शिक्षा का अभियान है, ये समृद्धि का अभियान है, ये स्वावलंबन आत्मनिर्भरता का अभियान है। और ये काम पतंजलि योगपीठ पूज्य आचार्य बाक्षण जी महाराज जी के नेतृत्व में और हमारी श्रद्धामयी विदुषी सन्यासी बहन स्वरूपम जी और हमारे सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसको आगे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पर जो इतने बड़े सेवा के कार्य प्रारंभ हुए हैं उसके मूल में बहुत बड़ी शक्ति हमारे हग्रामा साहब ने दी है। तो एक बार फिर से पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से जोरदार तालियों से उनका हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ये बड़ी पहल की। हम सब मिलकर के एक ही संकल्प लें कि हमें खुद आगे बढ़ना है, अपने असम को, अपने बोडोलैंड को, अपने भारत को आगे बढ़ाना है और भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, सैन्य महाशक्ति बना करके फिर से भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करे, ऐसा हमें महान हिंदुस्तान बनाना है। मेरा भारत महान जो हम कहते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दो दिन चार रहे न रहे, इस संकल्प के साथ भारत माता हमारी आराध्या है, कर्म हमारा धर्म है, इस संकल्प के साथ हम अलग अलग प्रकार की सेवाएं यहां पर कर रहे हैं और इनकी निरंतरता आगे भी रहेगी। पुलवामा में जो हमारे वीरों पर कायराना हमला जो हुआ था, उसमें जिन्होंने माँ भारती के लिए शहादत दी, ऐसे अमर शहीद मानेश्वर बसुमतारी जी की माननीय धर्मपत्नी सनमती बसुमतारी जी, सुपत्री डीडम श्री बसुमतारी जी, उनकी बहन मीना जी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे लिए इससे बड़ा गर्व और गौरव की कोई बात नहीं हो सकती है कि हम उस परिवार का, शहीद परिवार का सम्मान करें। उनके सम्मान के लिए मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी को, हमारे बहुत ही आदरणीय हंगरामा जी और हमारे MP साहब विश्वजीत जी को भी मैं मंच पर बुलाता हूँ। यूं तो हम कल आपके परिवार में होकर के आए थे, परंतु शहीदों के लिए हमारे पास एक ही भाव है, संवेदना है कि हम जितना भी इनका अभिनंदन करें, वंदन करें, वो हमारे लिए कम है। और आप सब असम वासियों के लिए गर्व और गौरव की बात है कि आज वो शहीद परिवार हमारे बीच में है और आप सबको यह अनुभव कराने के लिए कि हम भी आपके साथ हैं, एक बार करतल ध्वनियों से एक बार आपका अभिनंदन करें। हालांकि यह पीड़ा की घड़ी है, परंतु हमें गर्व और गौरव है उस वीर शहीद पर, उनके परिवार पर। तो आज मैं श्रद्धेय स्वामी जी से आशीर्वाद देने के लिए, अभिनंदन के लिए बहन सनमती बसुमतारी जी के लिए श्रद्धेय स्वामी जी अपने शॉल से उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी बहन मीना जी का श्रद्धेय स्वामी जी आशीर्वाद दे रहे हैं, साथ में बिटिया जो है डीडम श्री बसुमतारी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके परिवार से दूसरी बहन है नौनीमा जी के लिए भी बहुत आशीर्वाद है। और आज हम इस अवसर पर हमारा सबका हृदय जहां गर्व से ऊंचा हो रहा है, वहीं हमारे मन में हमारी संवेदनाएं, भावनाएं
उन सब वीर शहीदों के प्रति है। उन वीर शहीदों को स्मरण करते हुए, उनके नमन करते हुए, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग सब एक मिनट के लिए यहाँ पर मौन खड़े हो जाएंगे और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो जहाँ भी है वो वहीं खड़े हो जाएं, एक बार मौन होकर के उन वीरों को, उन शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। कल हम वसुमतारी जी के घर भी गए और उनको पतंजलि परिवार के बच्चों ने 2.5 लाख रुपए और शहीद के सम्मान के लिए राशि एकत्रित की थी, वह हमने समर्पित की। एक बार इनका बहुत बहुत हमें पुनः अभिनंदन करते हैं। राशि एक सम्मान का प्रतीक है, बाकी जो इन्होंने बलिदान दिया है वह हमारे लिए एक अमर गाथा है। और हमारा संकल्प यह है कि पुलवामा से लेकर के जो भी हमारी सेवाओं पर लड़ते हुए शहादत दे देते हैं हमारे अर्धसैनिक को, बलों के और सेना के जवान, बहुत जल्दी ही हमारा संकल्प है उन शहीदों के बच्चों के लिए पतंजलि एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाने वाला, जिससे उन बच्चों को हम शिक्षा संस्कार दे करके स्वावलंबी आत्मनिर्भर बना सकें। और ये इस परिवार में हमने सरमती को भी देखा कि जो है इतना बड़ा एक दुख, एक इतनी बड़ी पीड़ा और दर्द होते हुए भी इनके मन में अपने पति की शहादत के लिए एक स्वाभिमान है कि मेरा सुहाग मेरे वतन के काम आया। इतनी हिम्मत रखने वाली बहन सनमती के लिए भी एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार, हम बोडोलैंड और आसाम और भारत की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम।